एक राजा अपनी प्रजा का हाल पूछने के लिए, अपनी आंखों से देखने के लिए अपना वेशभूषा बदल कर एक आम आदमी बनकर निकल जाता है नगर की ओर। और निकलने के बाद वह देखता है कि कहाँ क्या है, किस तरीके से लोग सुखी है, कोई दुखी है, कैसे है। तो रास्ते में उसे एक मृतक व्यक्ति पड़ा मिल जाता है, डेड बॉडी मिल जाती है। और वह उसे देखकर चकित हो जाता है कि कोई उसके पास नहीं आ रहा, पता नहीं कितने देर से मरा हुआ है, आखिर मेरे राज्य में हो क्या रहा है। लोगों से कहते हैं कि अरे इसको उसके घर पहुँचा दो, ये कैसे मर गया, हम नहीं छुएंगे इसे, तो बहुत गंदा है, बहुत मक्कार है, बहुत मक्कार था, बहुत गंदा था, हम इसको नहीं छुएंगे। राजा पूछता है कि आखिर इसने क्या कर दिया ऐसा, आप इसको इस तरीके से कर रहे हो और कोई इसके पास नहीं आ रहा। कि शराबी था, ये वेश्यावृत्ति करता था, वेश्यालयों में जाता था और इसके अंदर बहुत बुराइयां थी, इसको हम नहीं छुएंगे, रोजाना जाता था। कोई बात नहीं, दो चार से और पूछा किसको इसके घर तक पहुंचाओ, किसी ने नहीं पहुंचाया। उस राजा ने सोचा किसके घर तक, चलो मैं ही पहुंचा देता हूं। राजा ने उसको अपने कंधे पर डाला, कंधे पर डालने के बाद उसके घर तक पहुंचाया। जैसे ही घर पहुंचाया तो उसकी जो पत्नी थी वह उसको देखकर चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। इतनी जोर जोर से रोने लगी कि मोहल्ले वाले पड़ोस वाले सब सोचने लगे कि कैसे दिखा रही है प्रेम मोहब्बत इतने गंदे आदमी पर, इतने जो ऐप थे इसके अंदर, इतनी बुराइयां थी इसके ऊपर ऐसे दिखा रही है। तो राजा से कहने लगी, राजा पूछने लगे उससे, पत्नी से, कि तेरे पति मैं आखिर ऐसा क्या था जो कि तू इतना रो रही है, कि मेरे पति मेरे भगवान थे, ये मेरे परमेश्वर थे। कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है, वो लोग कह रहे कि तो बहुत गंदा व्यक्ति था, शराबी था, वेश्यावृत्ति करता था, और ये कह रहे कि इनके जैसा कोई व्यक्ति नहीं, ये तो भगवान है, ये तो परमेश्वर है। राजा ने पूछा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि तेरा पति तो रोज शराब पीता था, शराब की दुकान पर जाता था, डेली का काम था। वह बोली, जाते थे मेरे पति, शराब की दुकान पर जाते थे रोजाना, शराब की बोतलें खरीदते थे लेकिन पीते नहीं थे, उनको गटर के अंदर डाल देते थे तोड़कर, और कहते थे घर पर आकर कि आज मैं कई लोगों को शराब पीने से बचा के आया हूँ, कि कई लोग शराब की बोतल जो उनके हिस्से में आती उनको मैं फोड़ कर खरीद कर गटर में गेर कर आया हूँ, रोजाना का काम था उनका। और लोग तो कह रहे हैं कि तेरे पति वेश्यावृत्ति भी करते थे, वेश्यालय में भी जाते थे, कि जाते थे रोजाना, लेकिन वहाँ जाकर गलत काम नहीं करते थे, कुछ गंदा नहीं करते थे। वह वहाँ जाकर जो रुपया कमाते थे उसका कुछ हिस्सा वैश्यों को देकर आते थे, और उनसे कहते थे कि आज तुम वेश्यावृत्ति नहीं करोगी, और वहीं रात को रुकते थे, कि आज आकर बताते थे कि आज मैं रात वहाँ था और मैंने उनको सुकून की ज़िंदगी जीने दिया, एक रात कम से कम उनकी सुकून की ज़िंदगी जीने को मिली, ऐसे थे मेरे पति, मेरे भगवान थे। राजा की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वह तो एक वेशभूषा बदल कर खड़ा हुआ था आम आदमी बनकर। और बोली उसकी पत्नी कि मेरे पति यह भी कहते थे कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो पुण्य कर रहा हूँ, इसे लोग समझे या ना समझे, जब मैं मरूँगा ना तो मुझे कोई कांधा देने वाला नहीं आएगा, गलत समझ कर, लेकिन यदि ये पुण्य है, ये अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बादशाह कंधा देगा। और ऐसा ही हुआ, राजा की आंखों से आंसू आ गए। राजा बोले कि महिला, मैं बादशाह ही हूं, मैं कपड़े बदल कर प्रजा का सुख दुख देखने आया था, लेकिन मैं बादशाह ही हूं, ये इसको मैं अपने कंधे पर लेकर आऊं, तेरा पति सही कहता था, इसने पुण्य का काम किया है। मतलब ऐसी बातें जो मुनि की हमने प्रवचनों में सुनी, और ऐसे ही हिंदू जो कथावाचक होते हैं, हमको पाखंडी कहते हैं, लेकिन कुछ हद तक उनकी बातों में सच्चाई भी होती है जो कि हम अपने जीवन में अमल कर सकते हैं, तो कुछ हमें उससे हो सकता है फ़ायदा मिले, जो हमें बड़ी बड़ी किताबों से ना मिले, हमें ISPCS बनकर और हमें मंत्री MLA प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर न मिले, आध्यात्मिक सुख होता है
तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा कि अध्यात्म ज्ञान बहुत जरूरी है, कि जैसे एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही इंसान बिना अध्यात्म के नहीं जल सकता। ये तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा और संत कबीर ने भी कहा, संत शिरोमणि रविदास जी ने भी कहा, हर संतों ने कहा, लेकिन उनको पाखंडवाद से जोड़ देते हैं, उनकी तह तक नहीं जाते, तर्क नहीं करते कि आखिर ऐसा क्या था। कि संत कबीर ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना प्राण में, ना कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की सांस में, कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। कुछ लाइनें मिस कर रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन जो हम बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बताने की, समझाने की, हो सकता है आप बोर हो रहे हो, गलत लग रहा हो, लेकिन ये वीडियो हम फर्स्ट टाइम बनाकर देख रहे हैं कि दर्शकों को कैसी लगेगी, दर्शकों को कितना इसमें अच्छा लगेगा, कमेंट्स में दर्शक लिखेंगे। यदि अच्छा लगा तो हम ऐसे ही यानी मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आया करेंगे साथ के साथ, क्योंकि किसी के जीवन में कुछ बदलाव हो जाए, किसी के जीवन में सुख हो जाए, और अपने तरीके से यानी पाखंडवाद मुक्त, और जो अच्छाई है उन अच्छाइयों को किस्सों के जरिए, जो हम किस्से देखते हैं जैन मुनियों के, इस्लामिक गुरुओं के, और हिंदू जो अच्छे जो तर्कवादी साधु संत है उनके, हम आपके सामने लेकर आया करेंगे। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था प्रेम आनंद गोविंद सरन जी महाराज जी, उनके बहुत सारे हम सुनते हैं, देखते हैं, तो उनमें भी काफ़ी हमें लॉजिक मिलता है, तर्कशील होते हैं, पाखंड से कैसे दूर किया जाए, ये फालतू आलतू की बातें जो होती है, जैसे कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उसके अंदर जोड़ देते हैं आलतू फालतू की बातें। हम मानते कि अच्छा ही है, कुछ आपके पास में कुछ है ऐसा, पब्लिक जुड़ रही है, कुछ लोगों के जीवन में बदलाव भी आ रहा होगा, लेकिन जो आप ये फालतू की बातें जोड़ते हो, एक उसके अंदर लगाते हो आप दिव्य दरबार, बेकार की बात। इसी के ऊपर श्याम मानव ने जो केस किया था, चैलेंज किया था, इसी के ऊपर किया था वो, उन्होंने कहा था कि धर्म का प्रचार प्रसार करो, मैं नहीं मना करता, लेकिन ये दिव्य दरबार, लोगों को पागल बनाना, शक्ति के नाम पर इधर उधर की बातें कर रिमोट कंट्रोल दिखाकर, ये सब चीज़ें की एक पाखंड है, और इसी के खिलाफ हम भी हैं। लेकिन जो अच्छाई है आध्यात्मिक से जोड़ती है, उसके हम समर्थन में हैं। जैन मुनियों की हमें बातें अच्छी लगी, इस्लामिक जो मौलाना है उनकी भी कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ हम देखते हैं पादरियों में भी अच्छाई होती है, लेकिन जो बौद्ध की हम बात करें, बौद्ध धर्म के जो बनते हैं भिक्खु है, वह ऐसे कहीं भी पंडाल नहीं लगाते, ऐसी कथाएँ नहीं करते दिखाई देते। तथागत गौतम बुद्ध की जातक कथा ही यदि आप पब्लिक के बीच में लेकर आओ, तरीके से लेकर आओ, मोटिवेट करो, तो पब्लिक आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होगी, और ज़रूरी भी है। बुद्ध ने कहा कि जिस तरह से एक मोमबत्ती आग के बिना नहीं जल सकती, वैसे ही इंसान भी बिना आध्यात्मिक के नहीं रह सकता। अच्छा ही है, बिल्कुल सही बात है ये। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब देखा परखा कि हमारा उद्धार नहीं हुआ आज तक, हमारा समाज वहाँ का वहीं है, ये शक्तियाँ भी काम नहीं आई, कोई देवी देवता काम नहीं आया आज तक, सही बात थी उनकी, पाखंडवाद से बाहर निकलो। यदि अध्यात्म की बात करनी है तो बुद्ध को ग्रहण करो, संत कबीर को ग्रहण करो, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। बुद्ध को क्यों लेकर आए, उन्हें पता था कि बिना अध्यात्म के जीवन सफल नहीं हो सकता, जो हमें अंदरूनी सुख मिलता है वह अध्यात्म से मिलेगा। ये अच्छाई बुराई की बातें बताई जाती, हम डराया जाता है पाप पुण्य के नाम पर, ये एक बहाना होता है जिससे कि हम उस अलौकिक शक्ति के डर दिखाकर बुराइयां करने से बच सके। बुराइयां करेंगे तो जीवन में दुख होगा, अच्छाइयां करेंगे तो सुख प्राप्त होगा। ये स्वर्ग नर्क की बातें जो बताई गई, इनके पीछे लॉजिक है। स्वर्ग नर्क किसी ने नहीं देखा, जो हम बताते उन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन ये बहाने जोड़कर रख दिए गए कि जिससे कि हम करते समय किसी बुराई को, किसी पाप को, जो पाप पुण्य का नाम दिया, 10 बार सोचे और ना करें, शायद इससे हम बच जाए। जो हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश के जो चित्र बने हुए हैं खुचराओ के अंदर, उनके पीछे भी लॉजिक रहा होगा। हमारे सर बताते थे कि जो निर्वस्त्र वहाँ पर आकार बनाए गए, मूर्तियाँ बनाई गई, उस मूर्ति कलाकारी के अंदर दिखाया गया, वह इसलिए दिखाया गया था कि जिससे कि लोग पूजा पाठ करने जाए तो अपने जो गंदे विचार होते हैं मन के अंदर, उनको वहीं देख देख कर उन विचारों को वहीं समाप्त कर दे, बिल्कुल शून्य होकर जाए, और जो पूजा पाठ करे, ध्यान लगाए, तो उनका ध्यान कुछ कारगर हो, उससे कुछ फ़ायदा मिले।
तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, और इस तरीके की जो बातें हैं इनका संबंध हमारा यही था कि अध्यात्म से भी जुड़े, आध्यात्मिकता किस प्रकार आप जुड़े, किस प्रकार आप प्रवचनों को अपने अंदर ग्रहण करें। ये नहीं कहते हम कथाओं में जाओ, ये नहीं कहते हम पंडालों में जाओ, वो तथागत गौतम बुद्ध या संत रविदास कबीरदास जी की जो बातें हैं उनका अमल करें और अपने जीवन के अंदर सुख भोगने के लिए, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका आपको पालन करना होगा। और जो बौद्धिस्ट बनते हैं, जो हमारे बौद्ध के धर्म गुरु है, उनसे हमारा यही कहना है अभी भी कि ऐसी सी चौपाल लगाओ, पब्लिक को जोड़ो, उनके दिल के अंदर उतरो, जहाँ तक कथाएँ और बहुत सारी अच्छाइयाँ जो कि अदर यानी अन्य धर्मों ने ग्रहण कर ली, अन्य धर्मों ने उसका पालन करना शुरू किया, पाखंडवाद के नाम पर हम उसको जोड़ देते हैं, या लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं कम से कम उनको तो आप पब्लिक तक पहुँचाओ। पब्लिक को बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है, महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है, हम जैसे तर्कवादी लोगों को जो हम तर्क ढूंढते हैं। यदि आप आओगे कहीं चौपाल लगाओगे तो हम भी उसमें शामिल होंगे, क्योंकि हमें भी चाहिए अध्यात्म सुख, हम भी चाहते हैं अध्यात्म सुख, हम नहीं चाहते कि इससे दूर हटा जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए चाहे धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए, हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वो आनंद अपने आप प्रतीत होता है, ना कि कहीं खरीदा जा सकता, वो हम पहले भी कह चुके हैं। और बहुत सारी बातें रह गई, बच गई, उनका भी हम अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। यदि इस वीडियो में कमेंट्स में डिमांड आएगी, लगेगा कि कमेंट्स में दर्शकों को कि हाँ इस तरीके की और आनी चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका हो सकता है कुछ अंदाज गलत हो सकता है बताने का, समझाने का, हो सकता है अगली बार हमें प्रोत्साहन मिले तो हम इससे भी अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकें, चाहे हमें उसमें अपनी जो एक अट्रैक्शन डालने के लिए अपना वेशभूषा चेंज करना हो थोड़ा, वो भी हम करेंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव करने के लिए लोग बाग ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन विचारों में ताकत होनी चाहिए, हमारे कहना है। और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।